हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022। जैसा आपको पता होगा, इसमें तीन खंड होते हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास मेंटल एबिलिटी होता है, मानसिक योग्यता परीक्षण। सेकंड खंड या द्वितीय खंड जो होता है हमारे, उसमें मैथमेटिक्स अंकगणित का होता है। और तीसरा भाषा परीक्षण लैंग्वेज के होते हैं। तो मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी में हमारे पास 40 क्वेश्चन है। हम तीन पार्ट में वीडियो को बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग मानसिक योग्यता के बारे में डील करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सी। सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है, इसमें ऑड है हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास इसका आंसर होता है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का हमारे पास इसका आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें चूज करना है कि कौन सा डायग्राम इससे मिलता हुआ है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का हमारे पास आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें उस भाग को चूज करना है जो इसको कंप्लीट कर दे, तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, इसमें 10th नंबर क्वेश्चन का, इसमें ऑप्शन हमारे पास हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर हमारे पास हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की बात करते हैं, 12th में कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो इसको कंप्लीट कर देगा, तो इसका आंसर हो जाता है हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में हमें ये चूज करना है कि कौन सा किसी न किसी तरीके से एक पैटर्न के थ्रू ही ये कोरिलेटेड है, इसका ऑप्शन हो जाता है 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर हो जाता है हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 का आंसर हो जाता है हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हमारे पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 में, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाता है हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाता है हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा मेरे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 20 का हमारे पास आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में हमारे पास ऑप्शन हो जाता है बी। देखिए, इसमें चार पार्ट है, चार पार्ट को हम डिवाइड करेंगे तो चार पार्ट में हमारे पास ये पार्ट बन जाता है। इससे सिमिलरली हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारे पास ऐसे बनेगा ऐसे। और एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास ये क्लोज होगा, तो ये क्लोज हमारे पास बी वाले पार्ट में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 में हमें ये बताना है कि कौन सा उत्तर चित्र, प्रश्न चित्र एक गिवन है और इसमें से एक उत्तर चित्र गिवन, इसमें से कौन सा उत्तर चित्र हम चूज करें जिससे हमारे पास ये प्रश्न चित्र या तो हमारे पास क्या हो जाए, या तो वर्ग हो जाए, या तो वृत्त हो जाए, या त्रिभुज हो जाए। तो 21 की हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये वर्ग बनेगा, तो इसमें कौन सा चूज करें, तो इसमें हो जाता है हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 22 में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको चूज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए। 23 की हम बात कर लेते हैं, 23 में या कौन सा ऑप्शन चूज करें कि जिससे ये कंप्लीट हमारे पास सर्कल बन जाए, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन हो जाता है ए, इसको चूज करेंगे तो हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में हम ऐसा कौन सा ऑप्शन चूज करें जिससे ये कंप्लीट हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी वर्ग बन जाएगा, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 28 तक के जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे सामने एक प्रश्न चित्र के सामने एक
वर्टिकल यानी कि लंबवत मिरर रखा गया है, दर्पण रखा गया है, उसका इमेज हमें बनाना है। तो इमेज इसका कौन सा इसका करेक्ट होगा इसकी हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट 25 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो 25 में हमारे पास ऑप्शन हो जाता है, सबसे पहले आ जाएगा पी और इसके अकॉर्डिंग ओ से ये हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात कर लेते हैं, 26 का हमारे पास ऑप्शन हो जाता है ए। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। देखिए ये एरो ऐसे आ रहा है, एरो ऐसा आ रहा है, तो इसका इमेज यदि हम देखेंगे मिरर इमेज तो हमारे पास जस्ट क्या हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की बात करते हैं, 28 के हमारे पास इसके ऑप्शन हो जाते हैं। देखिए जो सर्कल हमारे पास ये फ्रंट में आ रहे हैं, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो ये भी हमारे पास फ्रंट ही आएगा। इसका इमेज देखिए कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। जो एरो इनवर्ड है वो इनवर्ड कर देंगे हम लोग, इसके तरफ टुवार्ड्स द मिरर हो जाएगा। जो आउटवर्ड है वो आउटवर्ड हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बी ऑप्शन। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की बात करते हैं, 29 से लेकर 32 के क्वेश्चन हमें कागज़ को फोल्ड करके और इसके टुकड़े करके या पंच काट करके हमें बताना है कौन सा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यदि हम ऐसे जैसे इंस्ट्रक्शन गिवन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कागज़ को फोल्ड करें तो हमारे पास 29 का ऑप्शन हो जाता है 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 30 की, यदि हम ऐसा सॉल्व करें जैसे इंस्ट्रक्शन गिवन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कागज़ को फोल्ड करके कटिंग करें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, इसमें देखिए कागज़ को फोल्ड कर रहे हैं और ये क्वार्टर बना देते हैं, एक चौथाई बना देते हैं। इसके कॉर्नर पर एक हमने सर्कल बना दिया, इट मीन्स इसके चारों कॉर्नर पर सर्कल बनेगा, चारों कॉर्नर पर सर्कल बनेगा और बीच में एक ब्लॉक बनेगा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 32 की, यदि इसे हम लोग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम इसे कट फोल्ड करें, एक क्वार्टर बना देंगे, एक चौथाई बना करके इसे कट कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 33 की, 33 से लेकर 36 के हमें क्वेश्चन में हमें ये करना है कि प्रश्न चित्र गिवन है, प्रश्न चित्र से उत्तर चित्र को हमें बनाना है, यानी प्रश्न चित्र से उत्तर चित्र को हम बनाएं तो कौन सा ऐसा उत्तर चित्र हमारा बन सकता है। तो 33 की हम बात करते हैं, 33 से हमारे पास इसमें देखिए चार ऐसे एल शेप के डायग्राम है छोटे छोटे, तो इससे कौन सा बन सकता है, इससे बन सकता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 34 की बात करते हैं, 34 में हमारे पास चार छोटे छोटे स्क्वायर वर्ग हैं, इससे मिलकर बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की बात करते हैं, 35 से हमारे पास क्या बन जाएगा, 35 में देखिए अलग अलग डिफरेंट शेप है, इसमें एक तो हमारे पास ये ऐसा शेप बना है और इसको हम कंप्लीट करेंगे तो ये वाला शेप इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास यहाँ जाकर ऐसे फील हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें दो हमारे पास ट्रायंगल लगे हैं तो यानी कि ये सी हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट 36 की बात कर लेते हैं, 36 में हमारे पास तीन ट्रायंगल गिवन, तीन त्रिभुज गिवन है, तो तीन त्रिभुज गिवन है, देखिए एक ये है तो ये शेप हमारे पास इसमें दिख रहा है और एक ये डायग्राम है ये ऐसे दिख रहा है और नेक्स्ट वाला है इसको रोटेट करते हुए हम लोग लगा देंगे, यहाँ पर अरेंज कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं 37 से 40 की, इसमें प्रश्न चित्र गिवन है और उत्तर चित्र गिवन है, उत्तर चित्र में कौन सा शेप हमारे पास एम्बेडेड है, किस में उत्तर चित्र में कौन ऐसा चित्र है जिसमें ये वाला शेप हमारे पास प्रश्न चित्र इसमें एम्बेडेड है। तो इसकी हम जब 37 की बात करते हैं तो 37 में देखिए हमारे पास बी वाले ऑप्शन में ये पार्ट हमारा ऐसे अवेलेबल है और ये ऐसे अवेलेबल है, देख लीजिए जो हमारे पास डायग्राम अवेलेबल है प्रश्न चित्र। नेक्स्ट 38 की बात करते हैं, 38 में हमारे पास डी आ जाता है, डी में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं 39 का हमारे पास हो जाएगा, देखिए डमरू शेप बना है, डमरू शेप हमारे पास सी वाले ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, 40 क्वेश्चन हमारे पास किस में एम्बेडेड है, 40 क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन ए में एम्बेडेड है, देख लीजिए आप लोग को ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग की वीडियो आएगी
मैथ्स की, वो कुछ ही देर में उसे ज़रूर आप लोग देखिएगा। और हम लोग डिटेल वीडियो कल हम लोग अपलोड करेंगे, कुछ ही टाइम में हम लोग नेक्स्ट जो डिटेल वीडियो है इसके सॉल्यूशन के साथ हम लोग अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।